भारत में पिछले एक साल से बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाएं काफी बढ़ी हैं और इसका कारण है कि लोग इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई पेमेंट में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अब बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है और कहा है कि नए तरीके से चोर आपके खाते से पैसे गायब कर सकते हैं, अतः आप सावधान रहें। आए जानते हैं किस तरह ठग लगा रहे लोगों को चूना। बैंक ने कहा है कि यदि आपके पास SBI के नाम से किसी प्रकार का कोई ईमेल आता है या मैसेज आता है तो उस पर क्लिक न करें और न ही मैसेज या मेल के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दरअसल फिशिंग अटैक वाले ईमेल बैंक के असली ईमेल की तरह ही होते हैं और उनकी पहचान साथ में आए लिंक से होती है। फिशिंग अटैक क्या है? फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें संवेदनशील इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए टारगेट को किसी वेब ऑर्गेनाइजेशन या बैंक द्वारा ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया जाता है, जब ही वे फेक होता है। इन लिंक पर क्लिक करने पर एक नकली वेबसाइट खुलती है जिस पर आपके बैंक से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है और आपको लगता है कि आप असली वेबसाइट पर ही अपनी जानकारी दे रहे हैं और यही आपके साथ धोखाधड़ी होती है। इस फिशिंग अटैक से बचने के लिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप बैंक के नाम से आए किसी भी ईमेल या मैसेज को ओपन ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक फालतू के मेल और मैसेज नहीं करता है। मैसेज और मेल तभी आते हैं जब आपके खाते से कोई ट्रांजेक्शन होता है।